महीने भर से रास्ते पर बैठे ये लोग सरकार से रास्ता देने की मांग कर रहे हैं। महीने बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनी तो गांव वालों ने अपना ही फरमान सुना डाला। गांव चावरी और भिड़ताना ने मिलकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ना वोट डालेंगे ना किसी को चुनाव लड़ने देंगे, ये कहना है उन ग्रामीणों का जिनके लिए नेशनल हाईवे 352A गले की फांस बन गया है। गांव में पंचायत बैठे दोनों गांव इकट्ठे हो लिए, बहिष्कार कर दिया, हम ना इलेक्शन लड़ांगे ना लड़न देंगे, ना किसी को वोट डालने जाए ना डालेंगे, बहिष्कार कर दिया। 5 लाख से भी ऊपर जुर्माना, जात से घेर देंगे, मतलब जो भी अपना सामाजिक काम है उसका बहिष्कार कराएं पूर्ण रूप से। हुक्का पानी की कुछ बात हुई है तो हुक्का पानी वाला सब कुछ होगा जो सामाजिक कार्रवाई है। ग्रामीणों ने न सिर्फ चुनाव का बहिष्कार किया है बल्कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए चेतावनी भी जारी की है। गांव में होर्डिंग लगाकर चेताया जा रहा है कि अगर किसी ने चुनाव लड़ा तो उस पर 5 लाख जुर्माने के साथ 5 पीढ़ियों तक हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। लगभग 350 मीटर का टुकड़ा जिस पर हमें चढ़ने और उतरने का रास्ता दिया जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे धरने की कोई सुध नहीं ली गई है। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और जिस तरह अभी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, पंचायत का, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, भिड़ताना, समस्त भिड़ताना गाँव ने इकट्ठा होकर के और समस्त चावरी गाँव ने इकट्ठा होकर के चुनाव का बहिष्कार कर दिया पूर्ण रूप से। यदि कोई गाँव में चुनाव लड़ेगा तो उसका 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 पीढ़ियों तक का हुक्का पानी बंद, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। ना तो ये गांव राम किसी को वोट देंगे ना किसी की वोट लेंगे। ग्रामीणों का ये गुस्सा कितना जायज है ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, जिनके पास ना तो नेशनल हाईवे पर चढ़ने उतरने के लिए रास्ता है ना ही अपने खेतों तक पहुँचने के लिए कोई आसान राह। समस्या तो रास्ते की है, रास्ते की है, जो इसके नीचे पानी है जमीन में, अरे अंडर पास कामयाब नहीं है और ऊपर को रास्ता ही नहीं देना चाहिए, सरकार ने तो खुद संभाल करनी चाहिए। महीने भर से प्रशासन की अनदेखी को बर्दाश्त कर रहे लोगों ने प्रशासन को 20 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। ये तारीख गुजरने के बाद ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं चुनावी माहौल में पंचायती चुनाव का बहिष्कार करना सरकार और प्रशासन को सीधा संदेश है कि उन्हें ग्रामीणों की जरूरतों का ख्याल रखना होगा। सूर्य समाचार के लिए जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।